आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आपके अपने चैनल नेचर स्क्रिप्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रही होंगी। आज की वीडियो हाई रिक्वेस्टेड है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं कि मैम, हमारा ब्रेस्ट एकदम से टाइट है, ब्रेस्ट टाइट होने की वजह से उसमें से दूध बिल्कुल नहीं निकल रहा है, या फिर हमारा ब्रेस्ट एकदम से टाइट है और बच्चा बिल्कुल भी मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है और हमें मुश्किल से एक दो ड्रॉप्स ही ब्रेस्ट में से दूध निकलता है, तो ऐसे में बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो क्या हम बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं? आज के इस वीडियो में आपके इसी सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी वाली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर इतने से भी वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक बगैर स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें वीडियो में होती हैं जो आप लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ एक ही टॉपिक पर मैं बार बार वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी, तो आप लोग लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा और वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो इसे न्यू मदर को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि समय से पहले उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए और उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका ब्रेस्ट टाइट है और उसमें से दूध बिल्कुल नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेस्ट में मिल्क है ही नहीं। दरअसल होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि अगर किसी बर्तन में आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भर देती हैं, जैसे कि पिछले दिनों मेरे घर में पूजा थी और एक कुश नाम की एक घास होती है, ग्रास होता है, जो कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पूजा के समय में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आचार्य जी ने कहा कि आप मटके में रख करके किसी बर्तन में रख दीजिएगा और उसमें पानी भर दीजिएगा। तो मैंने उसको कलश में रख दिया और उसमें पानी भर दिया और मतलब ठूस ठूस के भर दिया था उसको, तो सुबह जब आचार्य जी निकालने लगे तो वो निकल नहीं रहा था। तो यही कंडीशन, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर बताया, यही कंडीशन हमारे ब्रेस्ट की होती है। जब दूध पहले जो था, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जब बर्थ होता है उसका, तो उसमें तो वो तुरंत पी नहीं पाता, अगर पीता भी है तो थोड़ा बहुत पीता है, क्योंकि उसमें शक करने की क्षमता भी कम होती है, प्लस उनका पेट भी जो होता है बहुत छोटा होता है, थोड़ी थोड़ी देर में वो थोड़ा थोड़ा दूध लेते हैं। तो आपके ब्रेस्ट में दूध पूरी तरह से अभी निकला नहीं जो पहले का था और दूध बन रहा है, तो क्या होता है कि वो नसें जो होती हैं, वो जो नलियाँ होती हैं, वो एकदम से टाइट हो जाती हैं, क्योंकि उनमें दूध पूरी तरह से भर चुका है। तो क्योंकि वो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं वो दूध बनाते रहते हैं, जो मिल्क की ग्रंथियाँ होती हैं जब बच्चा छोटा रहता है तो वो दूध बनाते रहते हैं और दूध रहता है, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी है वो शक करना तो जानता नहीं है, अगर शक कर भी रहा है तो वो उतनी स्पीड में शक नहीं कर पाता है और ना ही वो उतनी ताकत लगा पाता है। लेकिन जो दूध आपके ब्रेस्ट में से गिर रहा है और आपको लगता है कि एक दो ड्रॉप से ही दूध गिरा, लेकिन उतना ज़्यादा दूध नहीं गिरा, तो हो सकता है कि बच्चे का पेट न भरा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो एक दो ड्रॉप्स दूध गिरा वो इसलिए क्योंकि आपके बच्चे ने आपके ब्रेस्ट को मुँह लगाया। अगर बच्चा ब्रेस्ट को मुँह लगाता है या फिर बच्चा रोता है, यानी बगैर ब्रेस्ट को मुँह लगाए बच्चा अगर रोता है, तो उसके उस आवाज़ से भी जो मदर होती हैं उनके ब्रेस्ट में से दूध गिरने लगता है, थोड़ा बहुत गिरता है, ऐसा नहीं गिरने लगता है, मतलब जितना ब्रेस्ट में दूध है वो पूरा नहीं गिर जाएगा, लेकिन एक दो ड्रॉप्स दूध गिरने लगता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि ब्रेस्ट टाइट क्यों है, क्योंकि उसमें दूध का भराव ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से ब्रेस्ट टाइट है। अब चूँकि आपका ब्रेस्ट टाइट है तो आपको दर्द हो रहा होगा, जब आपको ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है तो पूरे बॉडी में आपको पेन महसूस होता है, क्योंकि अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के प्रोसेस से आप गुजरी हैं और न्यू मदर हैं, तो आपको कोई नॉलेज भी नहीं है क्या करना है कैसे करना है, और प्लस वो जो दर्द होता रहता है वो, और ऊपर से उसी में न्यूबॉर्न का जो जिम्मेदारी है वो भी आपको संभालनी है, तो ऐसे में आप पहले ही थोड़ा सा डिप्रेशन में चली जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में आपको ज़रूरत होती है एक हेल्पर की, चाहे आप अपने सास से लीजिए, चाहे आप अपनी मम्मी से ले लीजिए, चाहे आपके सिस्टर इन लॉ हों उनसे ले लीजिए, या फिर अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आप वहाँ पर नर्स की मदद ले सकती हैं, डॉक्टर से भी इस विषय में आप खुल करके चर्चा करिए।
आपको क्या करना है, थोड़ा हल्का आपको देसी घी लेना है। देसी घी नहीं मिलता है, अगर बटर क्रीम मिल जाती है वो भी ठीक है। हल्का गुनगुना पानी और सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। कोकोनट ऑयल जो होता है वो ले सकते हैं। उस समय उस कंडीशन में आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको इसमें से किसी भी एक चीज़ की व्यवस्था कर लेनी है और अपने ब्रेस्ट को हल्का सा वो चीज़ लगा करके आपको हल्का हल्का मसाज करनी है, थोड़ा इस तरह से कि जो कसाव हो गया है वो नरम हो जाए। अच्छा, अब अगर आपसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आप डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरी हैं, तो आपको भी बॉडी में पेन होता रहता है और आप नहीं कर पाती हैं, कोई भी नहीं कर पाती है महिला, तो फिर इनमें से जो हेल्पर मैंने बताया उनमें से कोई भी अगर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब बच्चा चूँकि खींच के तो पी नहीं पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आप पंप से निकाल सकती हैं तो पंप से निकाल दीजिए ताकि दूध थोड़ा कम हो जाए ब्रेस्ट में और जो कसाव है एकदम से कसा हुआ टाइट है वो नरम हो जाए, क्योंकि दूध जब उसमें से खाली होगा तो खाली हो जाने की वजह से दूध का भराव उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आपका ब्रेस्ट हल्का सॉफ्ट हो जाएगा, आपको बॉडी में पेन नहीं होगा और बच्चा भी तमू लगाने के में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेस्ट थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, उसमें से दूध निकल गया है तो ब्रेस्ट थोड़ा सॉफ्ट ही नहीं हो जाता है बल्कि वो मतलब बच्चा जब मुंह लगाता है तो उसे वो कड़कपन नहीं महसूस होता है, यानी वो भराव न होने की वजह से बच्चे का मुंह भी नहीं दबता है, तो इसकी वजह से बच्चा कंफर्टेबल महसूस करता है। और उसे आप बताइए उसमें, यानी कि बच्चा तो न्यूबॉर्न है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर दूंगी, इसमें थोड़े में बता दे रही हूँ। बच्चे को आपको इस तरह से आपको अपनी गोद में लेना है, ध्यान रखना है कि पीठ को सहारा होना चाहिए आपके, इस तरह से अपनी गोद में लेना है और हल्का इस तरह से आप पहले अपने ब्रेस्ट को थोड़ा हल्का हल्का इस तरह से सहला लीजिए और उसके बाद में बच्चे के मुंह के पास में ले जा करके आप एलोरा के भाग के पास, जैसा कि यहाँ पर मैं पिक्चर दे रही हूँ, एलोरा के भाग के पास में हल्का सा इस तरह से पकड़ करके बच्चे के मुंह के अंदर आपको ब्रेस्ट का निप्पल करना है और उसके बाद में हल्का हल्का दबाव एलोरा के भाग के पास में देना है और वो दूध जब बच्चे के मुंह में गिरने लगेगा तो आपको अपना ब्रेस्ट निप्पल बच्चे के मुंह में डाल देना है। दूध चूंकि गिरा तो बच्चे को इतना पता चला कि यहीं से गिरा और ऊपर से आप 1-2 सेकंड के लिए हल्का अपने एलोरा के भाग के पास में दबाइए ताकि दूध उसके मुंह में थोड़ा गिरे और फिर उसे पकड़ा दीजिए अपना ब्रेस्ट और देखिए कि बच्चा शक करना शुरू करता है। अगर हाँ करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसे आप पकड़े रहने दीजिए। अगर आपको लगता है बीच बीच में बच्चा छोड़ रहा है तो आप फिर से अपने ब्रेस्ट के निप्पल को यानी जो एलोरा का भाग है वहाँ पर दबाइए ताकि दूध उसके मुंह में गिरे और बच्चे को फिर से ध्यान आ जाए, क्योंकि देखिए वो न्यूबॉर्न है, वो बहुत जल्दी भूल जाता है बच्चा और आपको लगता है कि नहीं दूध तो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, दूध रहता है, बस उसे सक करने की जो प्रक्रिया होती है वो भूल जाती है, तो आपको उसको ध्यान दिलाना है, अपने ब्रेस्ट के निप्पल के ऊपर जो एलोरा का भाग है वहाँ पर दबाना है और बच्चे के मुँह में फिर से निप्पल दे करके आपको छोड़ देना है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को आप 2-3 बार 4 बार करते रहिए, जब तक कि बच्चा अच्छी तरह से शक करना नहीं सीख लेता है तब तक आप इस प्रक्रिया को करेंगी तो फिर बच्चा धीरे धीरे पीने लगेगा और आपका ब्रेस्ट भी जो है वो टाइट नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि आपका बच्चा नहीं पी सकता है तब आप क्या करें, मतलब आपने सब कुछ करके देख लिया, बच्चा खींच करके नहीं पी पा रहा है, तब आप क्या करें कि आपका ब्रेस्ट जो है वो जल्द से जल्द नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अगर आप किसी बड़े बच्चे की इंतजाम को कर सकती हैं, जैसे कि आपका न्यूबॉर्न बेबी है, 1-2 महीने का बच्चा हो या 2-3 महीने का बच्चा हो या फिर 4-6 दिन का बच्चा हो, अगर आप हॉस्पिटल में हैं उसमें बहुत से लोगों की डिलीवरी हुई रहती है तो उसमें से अगर कोई बच्चा आपको मतलब सिस्टर से नर्स से बात करिए, अगर वो बताती हैं कि हाँ अभी 2-3 दिन का बच्चा हुआ है और वो अच्छे से शक करने लगा है, तो फिर उसे ला करके आप अपने ब्रेस्ट को उनकी मम्मी से बात कर लीजिए कि ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम है, तो बच्चा अगर खींच करके पी लेगा तो आपका ब्रेस्ट जो है वो टाइट जो हुआ है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत सी मम्मियाँ नहीं देती हैं तो ये उनकी अपनी बात हो जाएगी, लेकिन अगर इंतज़ाम हो सकता है तो आप ये ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो फिर आप जैसे कि मैंने बताया कि आपको हल्का मालिश करना है, मालिश करने के बाद में नहीं तो फिर नहीं ढीला हो पा रहा है तो थोड़ा हल्का गुनगुना पानी उसके ऊपर डालिए, नहीं तो फिर सॉफ्ट कपड़े को पानी में डिप करके उसे हल्का से निचोड़ करके उससे आप सेक दीजिए और हल्का हल्का दोनों ब्रेस्ट से आपको दूध निकाल लेना है।
दूध जब आप निकाल लेंगी तो फिर से एक बार मालिश करेंगी तो आप देखेंगी कि ब्रेस्ट एकदम से टाइट नहीं रह जाएगा। जब ब्रेस्ट में से आधा दूध निकल जाएगा, ब्रेस्ट ढीला हो जाएगा, तब उसमें जो जैसे कि दूध का प्रवाह होता है वो धीरे धीरे होने लगेगा, यानी बच्चा जितना सक करता जाएगा उतना दूध निकलता जाएगा और दूध बनता भी जाएगा। तो ये मतलब एक प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन जो पहले से ही दूध भर गया, एकदम से टाइट हो गया ब्रेस्ट और कसाव हो गया एकदम से, और वो निकल नहीं पा रहा है क्योंकि एकदम से एक साथ में सब भर चुका है ना, तो उसे खाली करने के लिए ताकत की ज़रूरत होगी। अब ताकत या तो आप पंप से निकालेंगी, या तो किसी बड़े बच्चे का सहारा लेंगी, या फिर अपने हाथ से ताकत लगा करके निकालिए, क्योंकि आपका बच्चा अभी न्यूबॉर्न है तो वो इतनी ताकत नहीं लगा पाएगा कि अच्छी तरह से उसको दबा दबा करके सक कर सके, क्योंकि ब्रेस्ट वैसे ही टाइट हो चुका है, प्लस आपका बच्चा अभी अभी बॉर्न हुआ है, उसको तो पता ही नहीं कि किस तरह से सक करना चाहिए और ये टाइट चीज़ कैसे वो सक करेगा, तो इसके लिए वो नहीं कर पाएगा। तो आपको इनमें से किसी एक चीज़ की व्यवस्था करनी, या तो खुद निकाल लीजिए या फिर आप किसी की हेल्प ला करके निकलवाइए, नहीं तो फिर आप पंप के जरिए निकाल लीजिए या फिर बड़े बच्चे का सहारा ले लीजिए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेस्ट टाइट क्यों हो जाता है, किस तरह से आपको अपने ब्रेस्ट को ढीला कर देना है और दूध उसमें थोड़ी मात्रा में क्यों आता है, क्योंकि ब्रेस्ट एकदम टाइट होने की वजह से दूध थोड़ी मात्रा में आता है। जब दूध आधे ज़्यादा निकल जाएगा, ब्रेस्ट एकदम ढीला हो जाएगा, तो दूध बनता रहेगा, निकलता रहेगा और बेबी पीता रहेगा। इस तरह से फिर वो बनता रहेगा और निकलता रहेगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब एक बार वो पहले से ही उसमें है और आगे से और बन गया तो वो टाइट हो गया, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर बच्चा नहीं पी पाएगा खींच के तो वहाँ पर गांठ हो जाएगी। तो इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इसमें आपको ये समझने में ज़रूर मदद मिलेगी कि ब्रेस्ट टाइट क्यों होता है, किस तरह से आपको अपने ब्रेस्ट को सॉफ्ट और नॉर्मल बनाना है, और किस तरह से आपको अपने बच्चे को पीना सिखाना है, और ये कोशिश करनी है कि बच्चा अब यानी एक बार ब्रेस्ट वैसा टाइट था वैसा फिर से ब्रेस्ट टाइट ना होने पाए। और अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो आपको क्या उपाय करके अपने ब्रेस्ट को एकदम से सॉफ्ट बनाए रखना है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।